हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम एल्डिहाइड एंड कीटो कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमारा आज सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा था जो था हमारा हेलोफॉर्म्स रिएक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हेलोफॉर्म्स रिएक्शंस करके बताया था, ठीक है। आज हम उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे जो थोड़ी टफ होती है, एक्चुअली टफ नहीं, थोड़ी बड़ी होती है। उसमें जो स्टेप्स होते हैं वो रिपीट करने होते हैं आपको, ठीक है। तो उसके हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है, ये हमारा हो गया एसिटाल्डिहाइड। प्लस क्या ले लिया, आई टू ले लिया, ओके। प्लस ले लिया 4NaOH, ठीक है, यहाँ पर ये 3 ये ले लिया और 4 ये ले लिया। इसकी रिएक्शन कर पाई, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हेलोजन में से कोई एक एटम ले लिया, यहाँ पर हमने आयोडीन ले लिया, ठीक है। इसकी जो हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, CH3 बनता है सबसे पहले, इससे बनता है HCOONA प्लस बनता है NaI प्लस H2O, ये 3 और ये 3, ठीक है, हाँ बैलेंस हो गई रिएक्शन, ओके। तो ये हमारी क्या होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं यहाँ पर, मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, NaOH से, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। और यहाँ पर हमारे पास अगर ये OH है तो हमें H और कहीं से मिल जाए तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे एक H ले लेते हैं और इससे एक OH ले लेते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर ये जो CH3 है ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक H और OH ले लिया तो -H2O हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एक अगर H निकल गया तो इसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो होगी CH2- यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये H। अब क्या है, यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रहा है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O नेगेटिव और यहाँ पर ये H है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बता दिया, ठीक है। अब रिएक्शन इसी में आगे प्रोसीड होगी, ठीक है। ये तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये इसकी इनॉल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, I2 से रिएक्शन होगी, तो I2 किस टाइप का बॉन्ड होगा, इस टाइप का बॉन्ड होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पोलराइज हो जाता है और एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव CH2I और यहाँ ये डबल, ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव ये है और एक नेगेटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है, तो प्लस क्या हो जाएगा, NaI, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो अब हम क्या करते हैं, फिर से रिएक्शन करवाते हैं NaOH-। यहाँ तक जो रिएक्शन हुई थी ये आपको याद रखनी है, सबसे पहले क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड लिया, ओके। उसकी रिएक्शन करवाई NaOH से करवाई तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ से H लेके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास I2 से रिएक्शन करवाई तो इसका फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव कर दिया, ये इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ओके। अब क्या है, अब आपको स्टेप रिपीट करना है और कितनी बार करना है, 3 बार करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर NaI कितनी बार निकलता है, 3 बार निकलता है, ठीक है। या फिर I3 कितनी बार अटैच होता है, 3 बार होता है। तो इस रिएक्शन से आप याद रखोगे कि ये स्टेप आपको 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या, वैसे 3 बार आप रिपीट कर लोगे तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। ये बस बड़ी है, वैसे तो इजी है, और 3 बार करोगे तो स्टेप भी लर्न हो जाएंगे, ठीक है, कि किस टाइप से होती है। तो अब फिर हमने यहाँ पर OH और यहाँ से H-H2 रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बात है, CH-I, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ये एच, ठीक है। इस टाइप से ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, तो ये यहाँ पर सी, यहाँ एच, यहाँ आई, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये ओ माइनस और ये माइनस एच, लेकिन रिएक्शन क्या होगी, यहाँ होगी, फिर I2 लेंगे तो फिर बॉन्ड इसी टाइप से टूटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH I2
और डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ये हो जाएगा एच। ठीक है, इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस हमारे पास क्या हो गया, एन ए आई निकल गया। कैसे निकल गया, जैसे यहाँ पर हमारे पास आई आई था, ठीक है, एक आई ब्रेक हुआ, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव क्या मैंने अटैच कर दिया। अब एक नेगेटिव ये बचा था और एक पॉजिटिव हमारे पास ये था, तो ये एन ए आई निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो गया, फिर से किसी रिएक्शन करवा देंगे, एन ए ओ एच माइनस की करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस भी, अगर माइनस है तो प्लस तो हो गई, तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है, ये है, फिर से इसका एक और एच ले लेंगे, तो ये एच और ये हो जाएगा आई टू। ठीक है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये एच इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सी आई आई डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव और ये एच, बट हमें इस स्ट्रक्चर से काम है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे आई टू, जो हमने इसकी रिएक्शन आई टू से करवाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी आई थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, एन ए आई, तो यहाँ पर हमारे पास कितने एन ए आई निकल गए, थ्री एन ए आई निकल गए, मीन्स यहाँ पर हमारी रिएक्शन अभी जो स्टेप है अब उसको रिपीट नहीं करना है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन फिर से करवा देंगे एन ए ओ एच से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमें इसकी जब एन ए ओ एच से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी आई थ्री सी यहाँ पर ओ नेगेटिव और यहाँ पर ये ओ एच और यहाँ पर ये एच। अब क्या होगा, ये जो ओ नेगेटिव ये चार्ज आ गया, ये यहाँ वापस आएगा, अगर ये यहाँ पर वापस आएगा तो ये वाला जो लीविंग ग्रुप है ये लीव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस सी आई थ्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ये और यहाँ ये ओ एच। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होता है, ये वाला जो एच है ये रिमूव होगा। ठीक है, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला एच और ये जाके कैसे हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी एच आई थ्री हो जाएगा। ओके, और इस पर नेगेटिव है और ये वाला हमारा एन ए तो यूज नहीं हुआ था, तो ये एन ए ओ ओ एच। ठीक है, इस साइड से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम अपनी जो रिएक्शन है उससे इसको मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड लिया लिया, इसके बाद फोर एन ए ओ एच लेने थे तो फोर एन ए ओ एच लिए, वन ठीक है, टू थ्री फोर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई टू लिया तीन बार, एक बार यहाँ लिया, फिर दूसरी बार मैंने यहाँ पर लिया और तीसरी बार ये लिया। ठीक है, तो आई टू भी होगा, सी एच ये बन गया, सी एच आई थ्री बन गया, ये यहाँ पर बन गया। ठीक है, थ्री एन ए आई मैंने आपको बता दिया था और एच टू ओ हमारे ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, तीन बारी वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा, तो ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसी होगी, सही होगी, क्योंकि हमारी रिएक्शन से मैच कर रही है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा, कि मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन एन ए ओ एच से करवा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कीटो फॉर्म बनी, जिसको हमने इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है कीटो फॉर्म से, लेकिन हमारा काम क्या था, इसी से था, तो यहाँ पर हमने आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराया आई टू से, उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ, फिर सेम स्टेप किया, उसके बाद फिर सेम स्टेप किया, उसके बाद फिर आपको सेम एन ए ओ एच से रिएक्शन कराने है, और यहाँ पर थोड़ा स्टेप ध्यान रखना है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इससे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी एच पे आई थ्री बन जाएगा और एन ए ओ सी डबल बॉन्ड ओ एन ए बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।